नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10% आरक्षण। विरोध के बीच केंद्र का एक और फैसला। अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवा सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आए हैं। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाले भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्रालय भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे, इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड में 1,00,000 के इनामी भाकपा माओवादी एरिया कमांडर ने किया सरेंडर, दर्ज हैं 17 केस। लोहरदगा में आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत शनिवार को भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर जत्रू खेरवार उर्फ टाना खेरवार ने डीसी एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस जिले के पेसरार थाना अंतर्गत पुतरार गांव के निवासी जत्रू खेरवार के खिलाफ सरंगदाग, किस्को, बगडू, पेसरार और बिशुनपुर थाना में कुल 17 मामले दर्ज हैं। इस दौरान उपायुक्त ने सरेंडर कर चुके नक्सली को देय राशि दी। एसपी ने कहा कि नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अग्निपथ का विरोध के दौरान जमशेदपुर में आगजनी करने वाले 200 युवकों पर केस दर्ज। केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई रेलवे फाटक के पास युवकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और आगजनी करने के मामले में जुगसलाई थाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जुगसलाई थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार राम के बयान पर 200 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के बाद देवरी अधिकारी के आदेशानुसार पुलिस ने विरोध करने वाले युवकों की पहचान फुटेज और फोटोग्राफी के आधार पर करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि शुक्रवार 17 जून को अग्निपथ योजना का विरोध जताने को लेकर युवाओं ने रेलवे लाइन को जाम कर दिया था। इससे ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ था। युवाओं ने विरोध के दौरान टायर जलाकर प्रदर्शन किया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा था। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त विजया यादव और एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवामन मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे युवाओं को समझाया था। उपायुक्त ने युवाओं को बताया कि उनके विरोध को लेकर वह आगे बात करेगी। उपायुक्त और एसएसपी के आश्वासन के बाद मामले को शांत कराया गया। रांची के मोटर पार्ट्स कारोबारी को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली, रिम्स रेफर। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रणमा पुराना रांची रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े रांची के मोटर पार्ट्स के व्यवसायी अंजनी कुमार सिन्हा को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली अंजनी के सिर पर लगी। तत्काल स्थानीय लोगों ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। ये घटना शनिवार की दोपहर 3:15 की है। श्री सिन्हा मूल रूप से पटना के राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार अंजनी कुमार सिन्हा शनिवार को ही मेदिनीनगर आए थे। करीब 3 बजे रेड़मा के एक मोटर पार्ट्स की दुकान से बाहर निकले थे और पैदल ही कहीं जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें सिर में सटाकर गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद TOP2 के प्रभारी रामजीत सिंह ने घायल अंजनी कुमार सिन्हा को इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया। पुलिस पूरे इलाके का CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। झारखंड में संथाल परगना के रास्ते मानसून ने की एंट्री। अगले 2 दिनों में कवर करेगा पूरा प्रदेश, सामान्य बारिश का पूर्व अनुमान। आकाश बिजली से सावधान रहने की चेतावनी। राज्य में मानसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व अनुमान के अनुसार संथाल परगना के 4 जिले साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया।
रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में आगे भी मानसून बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि उम्मीद है कि अगले दो दिनों में पूरा झारखंड कवर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 68.5 mm जमशेदपुर में हुई। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्व अनुमान है। उन्होंने कहा कि 19 और 20 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होगी, वहीं 21 एवं 22 जून में राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही आकाश से बिजली गिरने की संभावना भी है। ऐसे में खेत में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आप सबको बता दो कि इस बार भी मानसून समान ही रहेगा। झारखंड में अग्निपथ के खिलाफ पीएम मोदी का पुतला दहन, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लगाया गंभीर आरोप। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में शनिवार को सुभाष चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी, प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू कर केंद्र की भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को कांग्रेस लागू नहीं करने देगी। श्री अंसारी ने कहा कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने कोई नौकरी युवाओं को नहीं दी, न ही कोई रोजगार दिया। इसको लेकर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की भी चेतावनी दी। झारखंड की आर्थिक स्थिति खराब, रामेश्वर उरांव ने कहा जीएसटी क्षतिपूर्ति देना जारी रखें केंद्र सरकार। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी रखने की मांग की है। ऐसे मांगे पूर्व में भी होती रही है और कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी इस तरह की मांग की जा चुकी है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण झारखंड समेत कई राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और ऐसे में केंद्र की मदद के बगैर संभालना मुश्किल होगा। आप सबको मालूम हो कि केंद्र सरकार जो पहले घोषणा कर चुकी है उसके हिसाब से जून माह के बाद जीएसटी की क्षतिपूर्ति राज्यों को नहीं मिल पाएगी। रामेश्वर उरांव ने बताया कि वे जल्द ही इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अधिकृत तौर पर आग्रह करेंगे कि कुछ वर्षों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाई जाए। झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री बनाएगी सरकार, जानिए क्या है पूरी योजना। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को और बच्चों को डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी है। राज्य सरकार इसके लिए एजेंसी हायर करेगी जो 5 साल न केवल डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार करेगी बल्कि 5 साल तक उसका रखरखाव और प्रबंधन भी करेगी। यह एजेंसी कंटेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करेगी जिसके माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक विकास का आकलन ऑनलाइन हो सकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर एजेंसी के चयन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों, एनसीईआरटी से मिलने वाली किताबों और अन्य शैक्षणिक सामग्री को डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया के रूप में ऑडियो एवं वीडियो शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाएगी। इसका उपयोग राज्य के कई हाई स्कूलों में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब में भी किया जाएगा। शिक्षक भी संबंधित विषयों में अपना ज्ञान बढ़ा सके, इसे ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाएगी। बच्चों को ऑडियो और वीडियो के रूप में मिलने वाली शैक्षणिक सामग्री उनके पाठ्य पुस्तकों के पूरक का काम करेगी। हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए उमेश कुमार मेहता, डीसी नैसी सहाय की निगरानी में हुआ चुनाव। हजारीबाग जिले के इचाक से जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित उमेश कुमार मेहता जिला परिषद अध्यक्ष पद पर चुन लिए गए। शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी सह हजारीबाग जिला उपायुक्त नैसी सहाय की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में उमेश कुमार मेहता ने सर्वेश सी को 7 के मुकाबले 21 वोटों से हरा दिया, वहीं 2 वोट रद्द कर दिए गए। मालूम हो कि चुनाव के पहले अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर राजनीतिक गर्म थी। उमेश कुमार मेहता पर खरीद फरोख्त का भी आरोप था, इसकी शिकायत उपायुक्त से की गई थी, लेकिन इन सभी आरोपों के बाद भी भारी समर्थन से उमेश कुमार मेहता जिला परिषद अध्यक्ष बन गए। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह सब विरोधियों की साजिश थी, जीत के बाद यह साबित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलूंगा, जिला परिषद में ज्यादा से ज्यादा योजना ला सकूं इसका प्रयास मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता होगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैसा है वोटरों का मिजाज, आइए जान लेते हैं।
23 जून को रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 26 जून को नतीजे की घोषणा होगी। इस बार के उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। इस चुनाव में महंगाई, पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे भी हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे काफी अहम हैं। आप सबको बता दूं कि मांडर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को बंधु तिर्की को 3 साल जेल और 3 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस कारण विधायक की समाप्त होने की वजह से मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आप सबको बता दूं कि मांडर विधानसभा में 3,54,000 मतदाता है। इनमें लगभग 1,75,000 सरना यानी की आदिवासी मतदाता, 74,000 हिंदू, 70,000 मुस्लिम और 30,000 ईसाई मतदाता हैं। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में इस बार खासा उत्साह है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।